क्योंकि भाई बड़ा खतरनाक माहौल में है। कोई बात नहीं, गुली गुली लगाई लगाई। बैनर नहीं लाए हैं? हाँ बैनर लगाना चाहिए था, चलिए अगली बार बैनर कभी हो रहे। बढ़िया यहाँ पे सौंदर्य पूर्ण उसकी व्यवस्था दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग जिस प्लॉट पे हैं, ये भविष्य में हमारा एक बुद्ध टेंपल यहाँ पे निर्माण होगा, एक आश्रम का निर्माण होने की तैयारी चल रही है, जिसका मकसद है कि हम यहाँ से विपासना जो एक टेक्निक है जो आपके मन को बेहतर बनाता है, नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करता है, उसके लिए ये छोटा सा ये आश्रम बनाया जा रहा है। और हम लोग अभी बाबा जी से भी बात करेंगे जो यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो थोड़ा सा होता है ना कि वो हम चाहेंगे कि आप लोग ये भी समझें कि जो हमारे महाराज जी हैं, हम उनसे बात कराएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पे इस आश्रम के साथ, कैसे क्या होगा। तो थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं हमारे भंते श्री डीडी लॉर्ड भंते जी, जो एक इंटरनेशनल भंते भी हैं, उनका परिचय भी हम जानेंगे, उन्होंने क्या किया है, क्या उनका विजन मिशन है। तो नमस्कार, कैसे सर? नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? और नमो बुद्धाय, जय भीम। मैंने ये यहाँ पर मैंने कुछ उपासिकाओं के द्वारा, उपासक उपासिकाओं ने ये कहा कि भाई हमारा एरिया है, मैं यहाँ पर बुद्धिस्ट से संबंधित, धम्म से संबंधित कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो एक सट्टा करके सट्टा है उपासिका और एक आनंद उपासक हैं, दोनों वाइफ हस्बैंड हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप कर सकते हैं, वो फ्यूचर में आप जैसे भी चाहेंगे वैसे मैं डोनेट कर दूंगा। ये हमको दिया है जगह, मैं पहले भी देख कर आया था, आज मैं ये देखा हूँ। तो भाई इस पर कुछ प्रक्रिया होगी, आगे पर कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। धम्म के नाम पर बुद्ध की बुद्ध टेंपल स्टैचू, यहाँ टेंपल जो है मैं पैगोडा की व्यवस्था में हूँ, तो थाई स्टैचू आएगा थाईलैंड से और इस पर मंदिर यहाँ कार्यक्रम का। अच्छा, अगर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या विजन मिशन है, क्योंकि ये बुढ़िया माई थाने के अंदर, ये कहाँ पे स्थित, थोड़ा सा आप बताएं इसके बारे में, अब किस जगह स्थित है ये? ये बुढ़िया माई के है एड्रेस, अभी मैं आपको क्लियर बताऊंगा। मतलब बुढ़िया माई के, बुढ़िया की मैंने, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। okay. बुढ़िया बनशक्ति बोला जाता okay, है बनशक्ति तो, का हाँ। ये विलेज है, गांव है। यहाँ से क्या क्या करने का आपका, यहाँ पर करने का है, मैंने क्या क्या प्लान है, विपासना और उसमें मेडिटेशन और शिक्षा से बौद्ध, इसमें शिक्षा भी दिया जाएगा और उसमें एक एज एजुकेशन का भी इसमें इंक्लूड रहेगा, धम्म के साथ साथ एजुकेशन का भी शिक्षा इसमें, प्रशिक्षण शिक्षण दोनों दिया जाएगा। और आने वाले जो भी उसमें है, इनको जो द्वारा उपासक उपासिकाओं के द्वारा जो डोनेट किया गया है, इसमें कार्यक्रम आपकी सर संस्था की भी आप कुछ बताएं, संस्था का नाम क्या और क्या कार्य? यह संस्था का नाम डीडी लॉर्ड बुद्धा है और उस फाउंडेशन के तहत तो उसमें ये कार्यक्रम किया जाएगा और अपने कुछ प्रोफाइल बनाया जा रहा है इसमें वर्क करने के लिए, किसमें क्या क्या, किन किन कंट्रीज में आपने सर लोगों को जागृत किया? आसियन कंट्री में मैं अभी तक तो मैं थाईलैंड रहा, 7 साल 8 साल मैं थाईलैंड में रहा, मैं नागपुर में रहा, मैं जगह लाओस हो गया, आसियन कंट्री में लाओस है, वियतनाम हो गया, कम्बोडिया हो गया, जो बुद्धिस्ट कंट्री है मैंने उसको समझा बूझा। अब उसको अपने देश में, अपने ही देश के बौद्ध धर्म है, लेकिन ये है कि अब उसकी जो ओरिजिनलिटी है अपने देश से विलुप्त होता दिखाई दे रहा है, तो उसको यहाँ पर लाने की प्रक्रिया किया जाएगा जो जनहित में, भारत के जनमानस के फायदेमंद हो। आपको लगता है कि रियल बौद्धिज्म जो विश्व के डिफरेंट कोनों में फैला हुआ है, जो अपने उनको, से फैला हुआ है, जो उनको वापस ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इंडिया में जो बौद्धिज्म है शायद कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक गया और हमारा जो ओरिजिनल है वो दूसरे देशों ने कवर कर लिया, उसे आप वापस उस भारत के इस गोरखपुर शहर में लाना चाहते हैं। गोरखपुर शहर में का पूरे भारत में यह है, स्टार्टिंग है हमारा यहीं से। तो हम लोग को बताया गया कि सर आप यहाँ पे विपासना का भी केंद्र स्टार्ट करने वाले हैं,
तो बताइए विपासना क्या होती है? क्या विपासना ये है कि एज उसमें स्पेशल फॉर बुद्धिज्म का आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, चाहे एक बेसिक है उसको ओरिजिनलिटी आप जाना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में शांति कैसे होता है। जब विपासना में एक एज आपको एक ओरिजिनलिटी दिखाया जाता है कि ओरिजिनल आपको कैसे मान जनमानस में एक अंतर, आज देखते हैं कि भारत में जनमानस है बहुत विचित्र अवस्था में रह रहा है, कहीं भी शांति नहीं रही, बहुत पैसा है बहुत कुछ ज्ञान है तभी शांति नहीं रह रही। तो विपासना में यही हो कि आप अपने दिशा में एक दिशा में करके उसके सेंट्रलाइज किया जाता है कि आप जहाँ हैं आपकी ओरिजिनलिटी आपकी ये है उसमें शांति। अच्छा सर, अगर अगर लोग आपसे विपासना सीखने के लिए संपर्क करना चाहें, आपके इस आश्रम में जाना चाहें, तो क्या आप अपना नंबर लोगों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे? हाँ हाँ शेयर करेंगे, 9076638494 ये हमारा एक नंबर, बार फिर से नंबर बता दीजिए, 9076638494। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आप दें? मैसेज में है कि आप इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे और आप कंटेक्ट करेंगे तो आगे लिए प्लानिंग कब से यहाँ पर शुरू किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। और भी बात मेरा कुशीनगर में भी यह है विपासना यहाँ पर स्पेशली चालू करने के लिए अभी शुरू करना है अभी इसी वासा काल में। मित्रम परिवार के बारे में बताएं? हाँ, मित्रम परिवार बहुत अच्छा ही परिवार है, यह बहुत संगठित परिवार है और मैं इस पर बहुत लगाव है इस परिवार से, इस परिवार को भी अपना जो भी मैं सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये धन्यवाद के पात्र ये भी हैं, दीप जी भी हैं और मित्रम जी के जो भी है इनमें कार्य कर रहे हैं फ्यूचर में, इनके सहयोग हमें साथ साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मित्रम प्रणाम।